गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो है अनुमापन जो पहला अपना एक्सरसाइज है, पहला अभ्यास जो है अनुमापन, और अनुमापन के द्वारा हम किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता किसी ज्ञात विलयन के द्वारा करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे दो विलयन रखे हुए हैं। एक आपको दिख रहा होगा गुलाबी रंग का विलयन, ये हमने कल बनाया था, KMnO4 का विलयन है, जिसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरा हमारे पास में जो विलयन है ट्रांसपेरेंट दिखा हुआ है, वो है फेरस अमोनियम सल्फेट का। फेरस अमोनियम सल्फेट जो है हमारा ज्ञात विलयन है, इसकी सांद्रता हमें ऑलरेडी दी गई है, आपको पता है ये कितनी है, N/20 का हम लोगों ने ये विलयन बना रखा है। और हम ये हमारे पास में जो है KMnO4 का विलयन है, तो इस विलयन को हम फनल की सहायता से ब्यूरेट में डालते हैं। तो हमने क्या किया, ये फनल लिया और इस फनल की सहायता से ये चेक कर लेना है पहले कि नीचे से हमारा ये बंद है या नहीं, तो सारा सबमिशन जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। और अब धीरे धीरे हम इसे इस में डालते हैं। तो देखिए, ये विलियन में डाल रहा हूं आपके सामने KMnO4 विलियन, जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। इस विलियन को मैं जीरो तक हमारा, इसमें आप लोगों को सबको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मोबाइल पास ले आएगी, आपको जीरो इसके अंदर दिख रहा होगा, वहां तक आपको इसके अंदर भरना है। और यदि मान लो 0.0 से ऊपर चला गया है, ये भरने के बाद में फनल को थोड़ा सा झटका के और वापस अपने प्लेस पर आप रख देंगे। और ये देखना है कि देखिए दो प्रकार, इसमें हम मेनिस्कस देखते हैं। मेनिस्कस का जो होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। जो कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास में, KMnO4 कैसा सॉल्यूशन है, कलर्ड। तो कलर्ड सॉल्यूशन का हम जो है लोअर मेनिस्कस देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मेनिस्कस मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए। तो इसमें बिल्कुल जीरो पे लाकर मैं छोड़ दूंगा इसके, आप देख सकते हो बिल्कुल, ये देखिए मैंने इसको 0.0 पे लाके दे दिया है। आप एक बार भास्कर जी मोबाइल पे एक बार दिखा दीजिए, 0 पे आ रहा है ना, ये बिल्कुल पॉलिश, ठीक है, 0 पे आप लोग कर दिया। तो ये हमने सॉल्यूशन को 50 ml को इसके अंदर ले लिया है। अब हमें लेना है फेरस अमोनियम सल्फेट। आप लोगों को पता है फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है प्राथमिक अभिकर्मक है। कैसा अभिकर्मक है? प्राथमिक अभिकर्मक है। इसकी सांद्रता समय के साथ में बदलती नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे हम कहते हैं पीपेट, और इस पीपेट की सहायता से हम लोग जो है 20 ml लिखा हुआ है इसके ऊपर, सभी को दिख रहा है 20 ml लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो 20 ml सॉल्यूशन, ठीक है, 20 ml सॉल्यूशन जो है इस पीपेट के माध्यम से हमें लेना है। तो जनरली कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप लोगों को हर एक बच्चे को अपनी सेपरेट ही रखनी है, किसी को भी दूसरे की पीपेट यूज नहीं करनी है, क्योंकि मुंह से जब हम मास्क लगाकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पीपेट हम किसी दूसरे की यूज नहीं करें। आप अपनी पीपेट के ऊपर निशान लगा जाए, नाम लिख जाए मार्कर से, ताकि 2 या 3 दिन जब भी आप प्रैक्टिशन का प्रैक्टिस करें तो आप अपनी ही पीपेट का यूज करें, किसी बगल वाले साथी की पीपेट का उपयोग ना करें। और पीपेट को यूज करने से पहले थोड़ा सा जो इसका रंग है हम लोग वॉश कर लें, वॉश करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम साफ कर लें इसको बिल्कुल। और देखिए मैंने ये पीपेट का मुंह बिल्कुल साफ कर लिया है, क्योंकि हो सकता है मेरे से पहले भी किसी व्यक्ति ने या किसी स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया हो, ठीक है। तो ये मैंने पीपेट ले ली है। अब इस पीपेट में आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा सबको, थोड़ा पास में ये निशान दिख रहा होगा आप लोगों को। इस निशान के अंदर जो है तक हमको सॉल्यूशन शक करना है। शक मतलब मुंह के द्वारा खींचना है। खींचते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये विलयन अपने मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी ग्रेविटी को कम करने के लिए कल हमने इसके अंदर क्या मिलाया था, H2SO4 मिलाया था। और यदि मान लो बाय द वे जल भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको थूक के और अपन को पूरा कर लेना है, ठीक है। थोड़े से दांत खट्टे होंगे आपके, क्योंकि हमने इतना ज्यादा H2SO4 इसमें नहीं मिलाया। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने सक कर रहा हूं, आपके सामने किस प्रकार से सक करना है। सभी ध्यान से देखेंगे मुझे, देखिए मोबाइल पास में ये मैंने भर लिया, लेकिन अभी जो लाइन दिख रही है उस लाइन से विलियन थोड़ा ज्यादा आ गया है मेरे पास में, सभी को दिख रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर से स्लोली छोड़ता हूँ धीरे धीरे, ताकि अपना विलियन
और इसमें हमें लोअर मेनिस्कस लेना है। तो देखिए कलर सॉल्यूशन के अंदर अपर मेनिस्कस लेते हैं, जबकि कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर लोअर मेनिस्कस, मतलब जो नीचे का जो अर्धचंद्राकार है, दिख रहा है अंदर अर्धचंद्राकार आपको, वो इस लाइन को टच करना चाहिए। तो जहां तक है आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो इधर के देख लो, जिनको नहीं दिख रहा है वो पास में मेरे आगे देख लीजिए एक बार, कि जो उसका अर्धचंद्राकार लाइन को टच कर रहा है ना, कर रहा है सभी को, ठीक है देख लीजिए एक बार, अर्धचंद्राकार जो है लाइन को टच करना चाहिए। अभी मैं बोर्ड पे बना के बता दूंगा आपको, मैं इसको इस प्रकार से इधर देखिए, ये 20 ml मैंने, ये 20 ml एज इट इज मैंने इस सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए जब तक ये कंप्लीट इसकी बॉन्ड, थोड़ा सा हवा भी मार सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये पिपेट मैंने यूज ले ली है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा अपना नाम मार्क कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है मेरी झूठी पिपेट आप यूज नहीं करें, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके अंदर मैं के और के लिख देता हूँ, तो आपको याद रहेगा कि सर के द्वारा ये पिपेट यूज हुई है, हम इस पिपेट को यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप मेरे मार्कर ले लेना और सभी पिपेट को मार्क कर देना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमें ट्राइटेशन चालू करनी है, अनुमापन चालू करनी है। आपको पता है KMnO4 जो होता है एक प्रबल आक्सी कारक होता है, क्या होता है, आक्सी कारक प्रकृति का होता है। यह फेरस अमोनियम सल्फेट को क्या करता है, अपचयित करता है, क्या करता है। तो हमें इसकी सांद्रता तो ऑलरेडी पता है, M/20 पता है आपको इसकी, लेकिन इसकी सांद्रता हमें याद करनी है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट को अपचयित करने के लिए, फेरस अमोनियम सल्फेट को अपचयित करने के लिए कितना KMnO4 चाहिए वो हम याद कर लेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो मैं आप लोगों के साथ में ट्राइटेशन स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर इसका जो कलर है हल्का गुलाबी आ जाएगा वहां पर हम इसका एंड पॉइंट नोट कर लेंगे और फिर हमारी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैसे मास्टर जी करो, ये मैंने ट्राइटेशन स्टार्ट कर दिया स्लोली, देखिए ये हमारा थोड़ा सा एक ड्रॉप थोड़ी ज्यादा डल गई इसके अंदर, नहीं तो ये बिल्कुल स्लाइटली हल्का जो है गुलाबी कलर इसका हमारे पास में आएगा। इस समय इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क पिंक हो गया है, और डार्क पिंक कलर होने की वजह से ये थोड़ा सा 1 पॉइंट हमारे पास चला गया। तो हमारे पास जो इस समय ब्यूरेट की रीडिंग आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 10.6 के करीब आ रही है, कितनी आ रही है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं इसके अंदर दो ड्रॉप जो है ज्यादा डल गई है, कितनी डल गई है, दो ड्रॉप ज्यादा डल गई है, तो हम इसको 10.4 ही कंसीडर करेंगे, कितना कंसीडर करेंगे 10.4। बात समझ में आ गई आप लोगों को,